स्वागत है आपका सोशल इंडिया टाइम्स में। एक नजर डालते हैं ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के केस पर, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। अफेयर विवाद के बीच पहली बार मीडिया के सामने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, कही ये बड़ी बात। ज्योति मौर्या संग अपने रिश्तों को लेकर होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे ने अपनी चुप्पी साध ली है। शुक्रवार को झांसी पहुंचे मनीष दुबे मीडिया से बचकर निकल भागे। मीडिया के सवालों पर बस यही कहते रहे कि जबरदस्ती नहीं। इसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। एसडीएम ज्योति मौर्या से अफेयर के आरोपों में गिरे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान झांसी में मीडिया के सवालों से वे बचते नजर आए। मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को झांसी पहुंचे थे। एसडीएम ज्योति मौर्या प्रकरण में विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो मीडिया ने इस प्रकरण और उनके खिलाफ चल रहे जांच के बारे में सवाल पूछा तो वह कैमरे से बचते हुए भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। जिला कमांडेंट मनीष दुबे ने उनके खिलाफ चल रहे जांच से जुड़े सवालों पर पत्रकारों से कहा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती न करे। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, तीन लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। खेत में पशु चराते समय आकाशीय बिजली गिरी, थाना निबोरा क्षेत्र के लालपुरा का मामला। आपको खबर कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और सोशल इंडिया टाइम्स की ऐसी सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।